उसके भाई होने की हैसियत से मैंने उसे इजाजत दी थी, पर हम सब जानते थे कि वो तुम्हारे साथ भी है। जब यह हादसा मशीते रब्बी को मारने वाले, उसके सामने सर तस्लीम खम करने वाले लोग हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी। मुस्तजा, इनको क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर साहिबा जल्दी आए, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया इनको? माय गॉड, तुमने इंजेक्शन दिया था जो मैंने इनको दिया था? जी। थोड़ी सी ऑक्सीजन बढ़ाओ। माय गॉड, इनका बीपी तो बिल्कुल लो हो रहा है। इसकी मोहब्बत तो किसी तूफान की मानंद है, वो तूफान जो डूबते हुए किनारे पर ला चुका है। तुम फिक्र नहीं करो दयान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारे यहां से सब काम आ गए यार। जो आंसू होते ही बड़ी अजीब चीज होती है यार, ये वो बारिश है जो बंजर से बंजर जमीन को भी सरसर शताब कर देती। अल्लाह को बहुत पसंद है ये पानी। अभी डॉक्टर्स ने मना किया उसको किसी से भी मिलने से, लेकिन जैसे इजाजत देंगे सबसे पहले मैं तुम्हें कहूंगा उससे मिलने के लिए। अभी प्लीज घर जाकर थोड़ा आराम कर लो यार। जाकर तेरा बहुत शुक्रिया मेरे रब। मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। मैं चाहता हूं आ गया। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारे यहां से सब काम आ गए यार। जब आंसू होते ही बड़ी अजीब चीज होती है यार, ये वो बारिश है जो बंजर से बंजर जमीन को भी सरसर शताब कर देती। अल्लाह को बहुत पसंद है ये पानी। जल्दी बताओ, मेरा मेरा दिल घबरा रहा है। वो ठीक है बाप,
दुआ को होश आ गया। या मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बस बॉबी अब देर नहीं करनी, जल्दी से उसे इस घर की अपनी जिंदगी की रोशनी बना के लाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो ठीक हो जाएगी, मुझे पता है। बिल्कुल ठीक, बस तुम इस तरह करो कि अभी जाके उसे लेके आओ। मैं ना बस उसे बिल्कुल तुम्हारे करीब अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की बस आखिरी ख्वाहिश है बॉबी, उसे ले आओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उसे ले आओ मेरी जान, ले आओ उसे, लाओगे ना उसे बॉबी? मेरी जान, आप लोग परेशान मत होइए, इन्हें होश आ चुका है, बस कुछ दवाएं इस तरह की दी जिसकी वजह से खून उलटी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, हम जैसे गुनहगार लोगों की भी तू हिफाजत फरमाता है, हम पर रहम करता है मेरे मालिक। बस अल्लाह अपना करम बनाए रखे। आमीन आमीन। दुआ हम सब ने मिलकर अल्लाह ताला से तुम्हारी दूसरी जिंदगी की दुआ मांगी है, और देखो अल्लाह अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है, उसने हम में से किसी को भी मायूस नहीं होने दिया। और देखो हमें हमारी दुआ दोबारा मिल गई, और तुम्हें जानती हो अल्लाह की चौखट पर कौन जिद करके बैठ गया था? मुस्तजाब। हाँ बेटा, हमने तो मुस्तजाब को ये रूप देखा ही नहीं था बेटा। हर लम्हे हर सेकंड में उसने अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर सिर्फ दुआ मांगी है, तुम्हारे लिए दुआ मांगी, अपने लिए भी दुआ मांगी। तुम ठीक कहती थी बेटा, मेरा ही फैसला गलत था। मुस्तजाब जैसे खूबसूरत दिल का आदमी ही मेरी बेटी डिजर्व करता है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मिलकर तुम्हारी और मुस्तजाब की खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। बस अब जल्दी से ठीक हो जाए यार, ठहरा ही दिया था। अल्लाह मेरी बेटी को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन। मेरी दुआ की जिंदगी वापस कर दो, उसकी सांसें वापस कर दो, मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसको कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा, मैं कभी उसके लिए जिद नहीं करूंगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपकी रजा मेरी रजा। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे आपके हवाले करता हूँ। प्लीज तरह
सबसे लगता लग यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? दुआ से नहीं मिलोगे? बहुत मोहब्बत करते हो ना दोनों एक दूसरे से, वो मोहब्बत जो किसी किसी को ही मिलती है। अब यहां तुम्हें देख लो, तुम्हारे चेहरे पर दुआ का ही नाम वास है, और हां दुआ उसकी आंखों में तुम्हारी ही दुआ की कबूलियत का इंतजार। जाओ मिल लो उससे, जाओ, खास तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं, मुंतजर है तुम्हारा। इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी के दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से पर फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। डॉक्टर ने आपको इन सब चीजों से आजाद कर दिया है। कैसी हो आप? आपकी दुआ जैसी। कुछ बोलेंगे नहीं? चुप क्यों है? तुम्हें जी भर के महसूस कर लेना चाहते, इसलिए अल्फाजों को भी दमिया से निकाल दिया। भी आपके साथ को महसूस करना चाहती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं जिंदा बच गई हूँ। मैंने मौत की आवाज सरहाने खुद महसूस की है। मैं जिंदा कैसे हूं समझ ही नहीं आता। नहीं यकीन आता है। मेरा हाथ थाम ले मुझसे जा। अब मेरा हाथ थामेंगे ना तो मुझे यकीन आ जाएगा कि मैं जिंदा हूं। मेरी दुआ की जिंदगी वापस कर दो, उसकी सांसें वापस कर दो, मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसको कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा, मैं कभी उसके लिए जिद नहीं करूंगा। जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आपकी रजा मेरी रजा। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके हवाले करता हूँ। प्लीज।
हेलो प्रिटी गर्ल, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? काफी बेहतर, तो जल्दी से हीलिंग हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, बहुत मुबारक हो तावी। अल्लाह ने तुम्हारे घर की रोशनियों, उसकी खुशियों को सलामत रखा है। सब लोग बहुत खुश हैं वहाँ पर। मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। अल्लाह पाक दुआ को सलामत रखे। लेकिन भाई, एक घर और भी है जिसमें अम्मी अब्बू और आप रहते हैं। Come on, तावी, ऐसा मत सोचो यार। देखो, इंसान को दूसरों की खुशी में मुस्कुराना और दूसरों के गम में रोना आना चाहिए। और जिस शख्स के पास ऐसा हुनर हो, उसकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां होती हैं। रही बात मुस्तजाब और दुआ की, तो वो लोग जिस कदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए। और जो मोहब्बत आपने दुआ से की है, वो मोहब्बत बहुत पुरखलूस, सादा और पाक है। हर किस्म की खुदगर्जी और लालच से पाक। मोहब्बत आपने की है, लेकिन उसका दुख मेरे दिल को महसूस होता है। हम बहनें कुछ ज्यादा ही रंजेजोर होती हैं शायद। ताबीन, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? चलो अब जल्दी से सामान पैक कर दो, हॉस्पिटल भी जाना। हाँ। Thank you.
हाथ थामने मुझसे जब हम मेरा हाथ थामेंगे ना तो मुझे यकीन आ जाएगा कि मैं जिंदा हूं। मेरी दुआ की जिंदगी वापस कर दो, उसकी सांसें वापस कर दो, मैं उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसको कभी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा, मैं कभी उसके लिए जिंदगी नहीं करूंगा। कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? सच बताऊं दाई, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दुआ क्या हो गया यार? वो किसी काम में मसरूफ हो गया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुमको फोन ना करे, तुमसे मिलने ना आए। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सोच भी नहीं सकती उसकी क्या हालत थी। वो पिलक रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मिल जाए। वो अल्लाह से कह रहा था कि बेशक उसे दुआ ना मिले, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मिल जाए। क्या? हाँ दुआ, उसकी मोहब्बत ने उसे इतना बेगर्ज, बेलॉस, इतना फेथफुल बना दिया। ऐसी सच्ची मोहब्बत पर रश किया जा सकता है, शक नहीं किया जा सकता। अब तुम उसके ना आने पे उदास होकर उसके जज्बों पर शक ना कर। किसी जरूरी काम में उलझ के फारे होते दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा बस अब नहीं, अब कोई सैड नहीं होना है आपको, आ जाएगा वो। मुझसे जवाब है, मैं दुआ कहती है इंसान को उसके बेहतरीन नाम से पुकारना चाहिए। आपने मुझे मुस्तजाब अहमद नाम दिया था ना, मुझे बहुत पसंद है। पॉपी ना मेरी शनाख्त है और ना मेरी पहचान। तुम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे? पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कभी पढ़ा नहीं है, अरबी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सीख जाऊंगा।
हस्तक्षेप। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा सकी। सारी मेरी गलती, मेरी कोताही, मुझे माफ कर दो। सारा मेरा कसूर है। से एक वादा करो। क्या वादा? जब मैं मर जाऊंगी ना तो रोज मेरे लिए कुरान पढ़ना। जो तुम वक्त तुम्हें नहीं दे सकी तो मुझे जरूर देना। शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। चुप, शट अप। क्या बातें कर रही हो? मेरा सब कुछ आप हो। आपको कुछ हो जाएगा मैं क्या करूंगा? तो आए ना तेरे पास, उसका तेरी जिंदगी में होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और जिंदगी के बाद का सबसे बड़ा इत्मीनान। मैं इतनी फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए मुझसे जा आपके, मुझे मौत भी लेने आती तो ना जाने कब तक काल में नजा में रहती। कहना मुझे कोई डर नहीं, मैं सुकून से मर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे की जिंदगी को रोशन करने वाला चिराग उसके पास। मत करो ये बातें बस। अच्छा आखिरी दफा ओके? बस तुम जल्दी से जाके अब दुआ को ले आओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। वो कभी यहाँ नहीं आएगी, वो अब कभी मेरी जिंदगी में या इस घर में। क्यों मुस्तजाब? क्योंकि मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। Why? Why? Tell me why? तुम आज दुआ की तरफ जा रहे हो शाम को? मुस्तजाब अहमद, अच्छी तरह सोच लो, किनारे पे आई किश्ती को दोबारा भंवर की तरफ मोड़ा नहीं जाता। कभी कभी साहिलों पे पहुंचना एक नए सफर का बुलावा होता है मामा, फिर मुसाफिर की मर्जी नहीं रहती, सफर इख्तियार करना पड़ता है। और जो किनारे पे तुम्हारे मुंतजर हैं उनको क्यों अलविदा कह रहे हो? ये तिजारत का असूल है मामा, साहिलों को और साहिल पे खड़े लोगों दोनों को अलविदा कहना पड़ता है। तिजारत? जी मामा, तिजारत। अल्लाह से यही तो तिजारत की थी मैंने, तो बस बात फाइनल हो गई, मुझे मेरा मुनाफा मिल गया, मर्जी मेरी नहीं रही, कीमत देने वाले की होगी।
अपने सौदे से पीछे नहीं आ सकता। और अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। दुआ को तुम्हारी जिंदगी में इसलिए लेके आई थी कि तुम अपने रब के करीब हो जाओ और उसे जिंदगी से निकाल कर तुम अपने रब के इतने करीब हो गए कि सिवाय उसकी मर्जी के तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। दुआ को पाने की ख्वाहिश पे अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश गालिब आ गई। हाँ मेरे मौला, तेरी कुदरत कमाल है, कमाल है तेरी कुदरत। क्यों तेरे बिना जीना पड़ा क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको के जैसे तेरा खुदा न था मेरा भाई को कॉल की थी। मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। मैसेज तो मैंने कर दिया। अच्छा, वैसे मैंने अम्मा को कह दिया, उन्होंने शकील आंटी को कॉल की थी। ये देख लो, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी दावत अरेंज कर ली। मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि क्या करूं क्या नहीं। क्या शिकायत कर रही? आपसे किसी को कोई शिकायत हो सकती है? पूछो इससे, पूरी किताब लिखी हुई है इसने। अल्लाह ताला तुम लोगों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे। आमीन आमीन। वैसे मैं चाहती हूँ दयान मुझसे ऐसी मोहब्बत करे जैसे मुर्तजा आप मुझसे करते हैं। यार मैं जरा अरेंजमेंट्स देख लूँ। तुम तकी को कॉल करो, पूछो कहाँ है भाई, निकले कि नहीं निकले। मैं करती हूँ। मुझे कहना था कि मुर्तजा आपसे मैं आज भी निकले की फाइनल बात कर लूंगा। चाहता हूँ कि बल्कि हम सभी चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। मैं आता हूँ एक मिनट। मुझे पता है मेरा भाई बहुत मजबूत है। तुम, मैं डायन को देखता हूँ, वो अकेला इंतजाम है। खाक से आसमां की मंजिल तक हाथ से रहनुमा भी होते हैं। मुसराब अगर ये हाथ से नहीं होता ना तो मैं हमेशा बेचैन रहती। दिल में शक का कांटा हमेशा चुभता रहता कि क्या वाकई मुसराब का दिल बदल गया, क्या वाकई उनकी जबान सच्ची है। मैं तुमसे झूठ बोल के तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा कर रहा था और मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी पर तुमसे कभी सच नहीं बोलूंगा। तुम्हें गोली नहीं लगी थी दुआ, मुझे
थप्पड़ पड़ा था। एक नई राह का मुसाफिर मैं, ये बात कहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो हौसले के साथ कह रहा हूं, मेरा इंतजार मत करना, साथ उठना के दुआ करना, मैं जहां भी रहूं मुझे सुकून मिले।